मैं गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो। बच्चों, बड़ी महंगी है ये आजादी। आप सबसे गुजारिश है कि ये वीडियो अंत तक देखें और अपने मित्र और परिवार वालों को दिखाएं। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने हंसकर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। भारत देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए हैं, पर आज भी हमारा देश डेवलपिंग नेशन के नाम से जाना जाता है, एक विकासशील देश के नाम से जाना जाता है। भारत में लोगों का राष्ट्रवाद या देशभक्ति जो है वो सोशल मीडिया रील्स पर लाइक्स या व्यूज के नाम पर बहुत जल्दी आ जाती है, पर जब बात आती है असली क्रांति की तो बहुत जल्दी चली भी जाती है। एक आजाद देश में पैदा हुए हैं, इसलिए यहाँ कहना आसान है, यहाँ इसकी कमी है, यहाँ उसकी कमी है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के जितनी सस्ती नहीं है हमारी आजादी। अगर आजादी में जिन वीरों ने अपनी जान गवाई, जिन क्रांति वीरों का नाम अगर हम याद करने लगे तो बहुत छोटा है ये, बहुत महंगी है ये आजादी। आज के दिन शिकायतें नहीं, सुधार की बात करते हैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ। दोस्तों, सुधर जाओ अब भी तो बेहतर होगा। दोस्तों, सुधर जाओ अब भी तो बेहतर होगा, ना आंको तुम कमियों को कम तो बेहतर होगा, वक्त आएगा तो गिना देना कमियां भी तुम, अभी मानव धर्म निभाओ तो बेहतर होगा। शिकायतें नहीं, सुधार की बात करते हैं, दिखा दे दुनिया को इस देश में अब भी भगत आजाद रहते हैं। तो आइए उठाते हैं कदम भारत को, आपको, हमको विकासशील से विकसित बनाने का। एक कदम अधर्म से धर्म की ओर, एक कदम नवनिर्माण की ओर, एक कदम अंधकार से प्रकाश की ओर, एक कदम हिंदी की ओर, एक कदम स्वास्थ्य की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर, एक कदम सफलता की ओर, हमारा यानी डाउटनेट का एक कदम हिंदी माध्यम की ओर, एक कदम हम सबका अपने देश की ओर। जय हिंद।